सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सलूशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सर्कल। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू समथिंग कि अभी कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी, आई रिग्रेट फॉर द सेम, लेकिन अब आप लोगों को वीडियो डेली मिलेंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम सर्कल की बात करें, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास टेंथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कल्स की थ्योरम के बारे में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास जो सर्कल है, सर्कल होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल। तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ जिस अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये तो डेफिनेशन जो हो गई तो बुक की डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको समझेंगे कैसे। देखिए, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है आपका, ये जो सेंटर, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर जितने भी इसके सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट्स हैं, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज करिए एक पॉइंट हमारे पास इस तरीके से है यहाँ पे, और इसके चारों ओर फिक्स्ड डिस्टेंस पे इस तरीके से पॉइंट्स गिवन है, इस तरीके से हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, इस तरीके से फिक्स डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स गिवन है इस तरीके से। तो जब आप देखेंगे इन पॉइंट्स को, अगर हम इस तरीके से कनेक्ट कर दें, इस तरीके से अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनकी डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस इनकी क्या है, सेम है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। और ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो आपने देखा है कि सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होती है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ दूसरे पार्ट्स की, तो यहाँ पर कुछ लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, लुक एट दीज लाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक येलो कलर से लाइन ड्रॉ की इस तरीके से सर्कल के पास में, इस तरीके से। अब देखिए हमने बोल दिया ये लाइन क्या है, इसका नाम है PQ, एक लाइन PQ लाइन है, PQ। तो आप देखिए ये जो लाइन है सर्कल को टच नहीं कर रही है, दिस PQ लाइन इज नॉट टचिंग द सर्कल। तो जब कभी इस तरीके की कोई लाइन होती है हमारे पास जो सर्कल को टच नहीं करती है, तो इस टाइप की लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक हमने वाइट कलर से लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, आप देखिए ये सर्कल को टच कर रही है, इसको हमने बोल दिया RS, इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज द RS। तो अब हमारे पास RS लाइन आ गई, तो RS क्या कर रही है, एक पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, ये पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है। तो जब कोई लाइन किसी सर्कल को टच करती है किसी पॉइंट पे, तो जो पॉइंट होता है, इसको सपोज कर लीजिए ए है, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। और ये जो RS है, RS क्या है, हमने क्या कहा कि PQ क्या थी, PQ जो लाइन थी वो क्या थी, नॉन इंटर
सेक्टिंग लाइन थी। उसके बाद जो आरएस की बात की हमने, आरएस क्या है, आरएस है टेंजेंट, आरएस क्या है, आरएस इज टेंजेंट टू द सर्कल, आरएस है टेंजेंट टू द सर्कल। और जो ए है, ए को हम बोलते हैं पीओसी, पीओसी, पीओसी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बाद हमने क्या किया, एक रेड कलर से यहां पे एक और दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, लुक एट दिस, इस तरीके से एक लाइन और ड्रॉ कर दी। इस लाइन को हमने बोल दिया एक्स एंड वाई, एक्स वाई लाइन है ये। अब आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट लाइन क्या कर रही थी, टच सर्कल को टच नहीं कर रही थी, सेकेंड लाइन सर्कल को टच कर रही है, और ये जो लाइन है एक्स वाई ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब करने का मतलब ये है कि यहाँ पर सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका नाम है एक्स वाई। जब कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमारे पास और आते हैं कि बात होती है कि कितनी, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ, हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव, हाउ मेनी टेंजेंट अ सर्कल कैन हैव। जैसे अभी हमारे पास एक टेंजेंट आपको दिख रही है, ये आर एस है। तो कहते हैं क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, तो हमारा आंसर क्या होता है कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। अब बच्चे कहेंगे सर इनफाइनाइट कैसे हो गई, तो बच्चे आप किसी भी, आप अगर इससे ऐसे टच करेंगे यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट मी मेक इट बोल्ड लिटिल बिट देन आई कैन ड्रॉ इट वेरी वेल, या सी इस तरीके से अगर आप ड्रॉ करते हैं इट इज ऑल्सो अ टेंजेंट। मान लीजिए टी एस है, आप टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आप टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आप टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। और अगर हम कोई दो ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो डायामीटर के एंड पे होती हैं, अब बात आती है डायामीटर क्या होता है। सो इफ आई टॉक अबाउट द डायामीटर ऑफ द सर्कल, सो हियर आई एम गोइंग टू टेल यू कि डायामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा। तो हम सभी जानते हैं कि दिस पार्ट, द हाफ डिस्टेंस इज नोन इज रेडियस, ये हमारी रेडियस है, ये हमारी क्या है, रेडियस है। और अगर ये हाफ पार्ट रेडियस है तो ये रिमेनिंग हाफ पार्ट भी क्या होगा, रेडियस होगा, ये वाला पार्ट भी रेडियस है। तो आपने देखा आर प्लस आर इट बिकम टू आर, और ये जो टू आर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायामीटर। और अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हम कोई दो ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करें जो क्या हो, डायामीटर की एंड पे हो, लाइक सी एक हमने टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर दी, दिस इज वन टेंजेंट एंड दिस इज अनदर टेंजेंट। ये दो टेंजेंट अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये जो दोनों टेंजेंट होंगी, दिस इज द पी क्यू एंड दिस इज द आर एस, सो पी क्यू एंड आर एस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। सो आई होप स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि किस तरीके से सर्कल के बारे में आपको कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन पता चली होगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सर्कल्स की कुछ थ्योरम्स के बारे में। दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक थ्योरम कन्फर्म आएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर ये थ्योरम 10.1 है, इसका स्टेटमेंट गिवन है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अभी हमको करना क्या है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहली बात है हमारे पास गिवन क्या है,
तो हम गिवन अपने पास जो भी हमारे पास गिवन होती कंडीशन वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। गिवन हमारे पास क्या क्या है, तो गिवन हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है हमारे पास और एक टेंजेंट है। तो सर्कल तो अभी हमें दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लाएंगे, एक सर्कल लेकर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट की, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, अब आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास एक सर्कल है और एक हमारे पास सर्कल है और हम यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं रेड कलर से। ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, दिस इज द सेंटर, और इस तरीके से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। इस टेंजेंट को हमने कुछ नाम दे दिया, सपोज करो दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, ए बी हमने इसका नाम दे दिया, ए बी इज द टेंजेंट, ठीक है, ए बी द टेंजेंट टू द सर्कल। और अब हमको एक पी ओ सी मिल रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सपोज करिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, पी बोल दिया। तो यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है। अब हम इसको थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और एक काम और करते हैं छोटा सा, इसके बाद में हम यहाँ से O से यहाँ पर P के बाद में कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, विच इज नॉट ऑन द, हमने कोई पॉइंट ले लिया Q जो सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पे नहीं है, और O और Q को कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, आई हैव कनेक्टेड O एंड Q। नाउ अब हमको प्रूव क्या करना है, गिवन क्या था हमारे पास, अ सर्कल एंड एड अ टेंजेंट। तो हमारे पास क्या गिवन है, अ सर्कल हुज सेंटर आर, अ सर्कल हुज सेंटर आर ओ कॉमा आर, क्योंकि ये रेडियस है, दिस इज द आर, ये हमारे पास रेडियस है, एंड टेंजेंट, टेंजेंट हमने क्या लिया है, ए बी लिया है, एंड टेंजेंट ए बी। अब कब कहाँ पे टेंजेंट है, ये एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे टेंजेंट है, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है, तो हम लिखेंगे टी पी, टी पी मीन्स टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको, हमको प्रूव करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी, ओ पी इज परपेंडिकुलर ओवर ए बी। तो कंस्ट्रक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमने क्या, हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। प्रूफ, प्रूफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आप एक समझिए बात मेरी, यहाँ पर आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू, अब ये रेडियस है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ये इसकी सर्कम्फ्रेंस है, तो यहाँ पर हमने सपोज करिए एक पॉइंट आर ले लिया, तो आप देखिए ओ पी विल बी इक्वल टू ओ आर। क्यों ओ आर के इक्वल होगा, क्योंकि ओ पी और ओ आर दोनों ही पॉइंट जो हैं सर्कम्फ्रेंस पे हैं, तो दोनों ही क्या हैं, रेडियस हैं, हम इसको बोल सकते हैं रेडाई ऑफ द सर्कल, रेडाई ऑफ द सर्कल, ये हमारी रेडाई ऑफ द सर्कल हो गई, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं छोटा सा, आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे थे, हमने एक पॉइंट क्यू लिया था यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे जो OQ है, OQ, OQ किसके इक्वल है, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। OQ किसके इक्वल है, OQ इक्वल है OR प्लस RQ के। तो इसका मतलब जो ये होगा, अगर OQ OR प्लस RQ के इक्वल है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि OQ जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, OR से, और OQ जो होगा वो ग्रेटर होगा OP से। क्यों, क्योंकि OR किसके इक्वल है, OP के इक्वल है। तो इस कंडीशन से हमको एक चीज़ पता चली कि OP जो है, OP इज़ द शॉर्टेस्ट,
ओपी द शॉर्टेस्ट साइड, ओपी द शॉर्टेस्ट साइड। ओपी क्या है, जो हमारे पास ओपी है वो शॉर्टेस्ट सेगमेंट है, और आपको पता है कि जो शॉर्टेस्ट सेगमेंट होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, इस पर परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या चीज कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और हम यहाँ बोल देंगे एच पी, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, तो थ्योरम नंबर टू हमारे पास आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहां पर हमें प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि हमें दो टेंजेंट देनी है और उसको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि जो टेंजेंट है किसी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक सर्कल। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ले आते हैं यहाँ पे, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट अपना करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सर्कल एक आ गया यहाँ पे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास सर्कल है और अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे एक हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, दिस पॉइंट रेड कलर से डिनोट कर सकते हैं इसको, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। सपोज करिए ये पॉइंट ए है, द टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट था, और यहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे। तो यहाँ से इस तरीके से हमने पुट किया और इस तरीके से ले जाते हुए एक हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, दिस द फर्स्ट टेंजेंट। इसी तरीके से हम एक दूसरी टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे, ये दूसरी टेंजेंट हो गई। सो दीज आर द टू टेंजेंट्स, ओके। तो आप देख पा रहे यहां पर ये टेंजेंट जो है सर्कल को टच कर रही है, तो हमने इसको, और यहां पर इसको ये टच कर रही है, तो हमने इसको P बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, Q बोल दिया, PQ हो गया। और आप जानते हैं ये यहां पर इस सर्कल का क्या है, सेंटर है O, ठीक है। ये यहां पर हमारे पास सर्कल का एक सेंटर गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं गिवन। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स drawn from external drawn from external point A, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, TP हमें प्रूव करना है कि इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी, तो AP इक्वल टू AQ, AP इक्वल टू AQ, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, छोटा सा काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में, कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग OP और OQ को ज्वाइन कर देते हैं, OP को ज्वाइन कर दो और OQ को ज्वाइन कर दो, ठीक है, एंड OA को ज्वाइन कर दो इस तरीके से, इस तरीके से, ये दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर, ये चीज हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं इस चीज के लिए, ठीक है। ये चीज के पहले वाली थ्योरम में हम बता चुके हैं आपको। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया है, किसको किसको ज्वाइन कर दिया है, OP OQ एंड OA, OP OQ एंड OA को ज्वाइन कर दिया। चलिए अब हम करेंगे अपना प्रूफ, प्रूफ देखते हैं कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखो यहां पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, द अपर वन ट्राइंगल ए ओ क्यू, इन ट्राइंगल ए
ओ क्यू एंड द लोअर वन जो नीचे दे रखा है ए पी ओ, ए पी ओ। चलिए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ओ क्यू ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी ए, ओ क्यू ए एंड ओ पी ए बोथ आर 90, सो यू कैन से ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। आफ्टर दैट व्हाट यू कैन से, यू कैन से ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ ए दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए दैट इज द कॉमन, ओके। और एक चीज हम लोग और बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, वाई बिकॉज दीज आर द रेडाई ऑफ द सर्कल, दीज आर द रेडाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, आपने देखा कि हमारा 90 डिग्री एंगल था, वो ये कॉमन था और रेडाई ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी रूल लगेगा, और कॉन्ग्रेंसी रूल कौन सा होगा, बाय आर एच एस रूल, आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल। आप क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए पी ओ। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो ए क्यू है वो किसके इक्वल है, ए पी के, क्यू बाई सी पी सी टी, दीज आर द करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, इन दो थ्योरम में से एक थ्योरम बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगी, तो आप इन दोनों को प्रिपेयर कर लीजिए, एंड वन थ्योरम विल डेफिनेटली कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके। तो नई वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 के साथ में, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।